खाना बनाने लगी हूँ। एक तरफ मैंने अंडा आलू रखे उबलने के लिए, जहाँ बनता है ना जूसी वहाँ सस्ता होता है, दूसरी जगह मैं अंडा आलू की सब्जी, रोटी भी बन गया, काट दिया सबको, खाएगा तो ले लेके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से हम सभी अच्छे हैं। अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं, अभी मेरा कोई काम वाम नहीं हुआ, खाना खा के बस बढ़ता हूँ, तो 3 बजे वैसे ही रख दिया। बस रेहाना सबको ट्यूशन छोड़ने जाना है 5 मिनट में, उनको नारियल का पानी पीना है। रेहान के पापा नारियल ले कहते छिलवा के पानी सी के अंदर ही छिला हुआ है, खोल के निकाल के देती हूँ दोनों को पानी पीने के लिए, पानी पीना है। थैली से तो मैंने निकाला लेकिन मुझे पता लगा कि ये फूटा हुआ है, लगता पूरा पानी गिर चुका है, फिर भी जो पानी है थोड़ा इसके अंदर वैसे करके देखते निकलता कि नहीं, वैसे तो नहीं निकल रहा है लेकिन पूरा गीला हुआ है, मुझे लगता है गिर गया। निकाल दिया मैंने पानी, इतना थोड़ा सा निकला है, थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया, कहता ना बेकार है, कैसे लोग नारियल पानी पीते हैं। यहाँ से काट के निकाल दिया, बाकी लोग को अच्छा लगता होगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। रेहान को पीना है, दिखे रेहान लो, वो नारियल फूटा था, लग रहा था कि पूरा गिर गया है फिर इसके अंदर ही, बिल्कुल भी अच्छा नहीं, थोड़ा सा पीना है। अभी कभी थोड़ा टेस्ट करा तो कैसा है? अच्छा नहीं नहीं, तुमसे बेकार एकदम, कैसा तो लग रहा, देख दे रेहाने को पी जाएगा, इसलिए तो मैं नारियल पानी नहीं पीती हूँ। कहीं उस नारियल का मीठा पानी होता होगा ना जो ग्रीन वाला रहता है। खाना है तो काट के, कोई नारियल खाता भी नहीं है रेहान के पापा के अलावा, मैं तो बस चिवा के फेंक देती, पूरा पी गया। चल चल तैयार हो ट्यूशन के लिए, काट दिया सबको, खाएगा तो ले लेके। मैं नाटी छक देती हूँ, वैसे मैं भी चिबा के फेंक ही देती हूँ, फिर सब ठीक का फिक्का लगता है। वैसे डोसा बनाऊंगी तो चटनी बनाएंगे ना। खाना सबको ट्यूशन छोड़ के सो गई थी मैं, 5:30 हो गया, झाड़ू लगाने बर्तन धोने जाते हैं तो दोनों पे आने का टाइम हो जाएगा। को लेके आई, दोनों भागे नीचे खेलने, किताब उधर फेंका, भाग नाशपति खाने। दोनों तो नीचे खेल रहे हैं, बुलाने भी गए कितने हैं, अभी ढूंढ रहे हैं मखाना, घर से ही लेके आए थे। वहाँ सस्ता मिलता है, बहुत महंगा मिलता है इधर, जहाँ बनता है ना जूसी वहाँ सस्ता होता है, दूसरी जगह महंगा। भून लिया है मैंने, थोड़ा सा खाया भी है, और यहाँ अक्सर नीचे खेल रहे हैं, उसके पापा मार्केट गए, 1 घंटे बाद आए, तब तक तो और ठंडा ही हो जाएगा। और फिर ये दोनों बच्चा छूता भी नहीं है इसे, अभी भी बहुत सारा पड़ा हुआ है। खाली इतना घी रहता है पूरे हाथ में लग जाता है। खाना भी बनाना है, टाइम 7 बज गया। खाना बनाने लगी हूँ, एक तरफ मैंने अंडा आलू रख दिया उबलने के लिए, एक तरफ मसाला पीस लिया, चलो मसाला भूनने के लिए, सिंपल सा मसाला, टमाटर प्याज अदरक लहसुन और एक लौंग इलायची रख दिया था, अभी जा रही बिरयानी कर लें। बनाते बनाते अंडा इतनी ज़ोर से ब्लास्ट हुआ पूरा हाथ जल गया, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब भी तेल में फ्राई करती हूँ उबाल के ब्लास्ट हो जाता, बापरे इतनी जोर जोर से हाथ चल गया पूरा, अरे पीस देने के चक्कर में नीचे ऊपर नीचे ऊपर कर कर के दिमाग ख़राब हो गया, खाना भी नहीं बना अभी। अंडा आलू की सब्जी, रोटी भी बन गया, और रेहान को खाना खाने के लिए भी दे दिया, वो उसको बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। क्या हुआ भुजिया तू? थोड़ा सा रेहान को दिन का परवल का भुजिया बनाया था ना दाल चावल पे, वही खानी है। काम मुझे करना है, चिपकाना पीस कितना सारा, फिर चिपकाने के लिए कल भी नहीं चिपकाया, आज भी एक भी नहीं चिपकाया, अभी एक दो चिपका के देखती हूँ
आसान रहेगा तो छिपाऊंगी, नहीं तो कल के लिए छोड़ दूंगी।